नमस्कार, मैं संतोष भगत, स्वतंत्र सागर न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। दिन दहाड़े मेडिकल स्टोर में मोबाइल चोरी, आरोपी सीसीटीवी फुटेज में दिखा। बीजेपी सांसद ने विधायक को मारे जूते। अक्षय कुमार निभाना चाहते हैं कमांडर अभिनंदन का किरदार। राफेल फाइल चोरी मामले में पीएम पर हो एफआईआर राहुल गांधी। आइए देखते हैं ये खबरें अब विस्तार में। दिन दहाड़े मेडिकल स्टोर से मोबाइल चोरी, आरोपी सीसीटीवी फुटेज में दिखा। मुंबई में अंधेरी पूर्व स्थित टेक्निकल एरिया में की दिन दहाड़े चोर ने दुकान में सामान खरीदने के बहाने आकर मौका मिलते ही मोबाइल फोन उड़ा दिया। इस घटना की जानकारी होने पर दुकानदार प्रदीप यादव ने पुलिस को सूचना दी। सहार पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। रामलीला मैदान के सामने मरोल पाइपलाइन वाले मार्ग पर लाइफ लाइन मेडिकल स्टोर प्रदीप यादव चलाते हैं। जब ग्राहकों को सामान देते हुए दुकानदार व्यस्त हो गया, उसी मौके की आड़ लेते हुए चोर ने बड़ी सावधानी से मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। दुकानदार ने पुलिस को तहरीर दे दी है। इस संबंध में सहार पुलिस स्टेशन प्रभारी चोरी की सूचना मिलने के बाद मुकदमा दर्ज करके जल्द ही खुलासा करने की बात कही है। बीजेपी सांसद ने विधायक को मारे जूते। भारत की राजनीति में जूतों का इस्तेमाल कम ही हुआ है। देखिए, हम आपको पहली बार राजनीति में जूते का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जा सकता है, इसकी ताजी घटना दिखाते हैं। संत कबीर नगर में जो घटना घटी, उसमें और कुछ नहीं, सिर्फ जूता था। सांसद शरद त्रिपाठी पूछ रहे हैं कि एक योजना के शिलापट में उनका नाम क्यों नहीं था। इस बात को लेकर बीजेपी सांसद शरद त्रिपाठी और बीजेपी विधायक राकेश सिंह बघेल के बीच कहासुनी होती है और सांसद साहब कह देते हैं कि आपके जैसा विधायक पैदा किया है, तो विधायक बघेल ने प्रतिक्रिया में कह दिया कि जूते मारेंगे। बस सांसद त्रिपाठी जूता निकालकर विधायक राकेश सिंह बघेल पर जूते बरसाने लगते हैं। अक्षय कुमार निभाना चाहते हैं कमांडर अभिनंदन का किरदार। पुलवामा टेरर अटैक, एयर स्ट्राइक और विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की जोश जुनून की कहानी तो पर्दे पर फिल्माने के लिए कई दिग्गज निर्माताओं ने फिल्म का नाम रजिस्टर करवा लिया है। बॉलीवुड के कई कलाकार इस कहानी से जुड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। खास तौर पर पहले फिल्म राजी और अब उरी की शानदार सफलता के बाद इस तरह की कहानियों को लेकर सितारों की दिलचस्पी बढ़ गई है। अभिनेता जॉन अब्राहम ने विंग कमांडर अभिनंदन की बहादुरी और जोश को देखकर कहा था कि वह देश के असली हीरो है और ऐसे असली हीरो की कहानी को अगर पर्दे पर निभाने का मौका मिलेगा तो वह जरूर करेंगे। जॉन के बाद अब अक्षय कुमार ने भी कमांडर अभिनंदन के किरदार को पर्दे पर निभाने की इच्छा जताई है। राफेल फाइल चोरी मामले में पीएम पर हो एफआईआर राहुल गांधी। राफेल डील से जुड़ी फाइल गायब होने के मामले में सियासत तेज हो गई है। राफेल फाइल चोरी मामले में पीएम पर हो एफआईआर राहुल गांधी के इस बयान के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया देकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इस सरकार में सब गायब हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार में लिप्त हुए हैं। सुप्रीम कोर्टामध्ये आज केंद्र सरकारचे महाअधिवक्ता के वेणुगोपाल यांनी राफेलच्या प्रकरणातले कागदपत्र चोरीला गेले असं सादर केलं। या देशामध्ये अलीकडच्या काळामध्ये राफेलचा मोठा घोटाळा उघडकीला आला, त्यासाठी द हिंदू नावाच्या वर्तमानपत्राने कागदपत्र देखील त्यांच्या वर्तमानपत्रात जाहीर केली। याचा अर्थ असा आहे की आज केंद्र सरकार आपण केलेला घोटाळा दडवण्यासाठी आता शेवटी सांगायला लागले की फाईल चोरीला गेली, कागद चोरीला गेली। केंद्र सरकारच्या ताब्यात असणारे आणि संरक्षणाच्या संबंधातले अत्यंत महत्त्वाचे कागदपत्र चोरीला जातात कसे, हा पहिला प्रश्न। दुसरा प्रश्न, ज्या राफेल विमानाची माहिती बाहेर देता येणार नाही, कारण तांत्रिकदृष्ट्या त्या सर्व गोष्टी अत्यंत गुप्त ठेवणं आवश्यक आहे, असं जे सरकार म्हणतं त्या सरकारने स्वतःच्या ताब्यात असणारी फाईल आज गहाळ केली, याचा अर्थ काय निघतो? याचा अर्थ जाहीर आहे की केंद्र सरकारमध्ये चौकीदारच चोर आहे, हे पुन्हा एकदा या देशाच्या समोर सत्य आलं।
कोर्टामध्ये सरकारची बाजू मांडणारे राफेल प्रकरणी सरकारी वकील ॲडव्होकेट जनरल के वेणुगोपाल यांनी धक्कादायक माहिती दिली. त्यांनी अशी माहिती दिली की राफेलची कागदपत्रं गहाळ झाली आहेत, चोरीला गेली आहेत. अरे ह्या देश आहे क्या मस्करी? तुम्ही एकीकडे सुप्रीम कोर्टात लोकसभेत सांगतात की आम्हाला तुम्हाला काहीच माहिती देता येणार नाही, कारण का तो कराराचा भंग होईल आणि एवढी गुप्त बाहेर माहिती बाहेर येता कामा नये. आणि तुम्ही स्पष्टपणाने सुप्रीम कोर्टात सांगतात की कागदपत्र चोरीला गेली. एवढं गंभीर प्रकरण जगभरामध्ये ज्याची चर्चा चालू आहे, 150,000 कोटी रुपयाचा व्यवहार आणि त्याची कागदपत्र चोरीला जातात आणि तुम्ही सुप्रीम कोर्टात सांगतात हा चोर कोण, हा चोर कोण? काही चौकीदार तो चोर नाही?